आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बनाना आइसक्रीम। कभी कभी जब हम बनानास लाते हैं तो कुछ बनानास बचे रह जाते हैं जो बहुत ओवर राइप हो जाते हैं, तो उनको कोई खाता नहीं है, वो ऐसे ही रखे रहते हैं। तो हम तो उन बनानास का यूज़ करके आज हम बनाएंगे डिलीशियस से आइसक्रीम। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग फाइल। तो देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ओवर राइप जो मेरे बनानास हैं, 3 बनानास बच गए थे तो मैंने वो ले लिए हैं और उनको हम पील करके कट कर लेंगे स्लाइसेस में। तो इस तरह से जो इसका कवर है उसको निकाल दें और हम इन बनानास के स्लाइस करके इनको हम 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बनानास हमारे सेट हो चुके हैं, अब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे एक जार में। और सिंपल सा है, इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच डार्क चॉकलेट और 1 से 1.5 चम्मच ही वाइट चॉकलेट। आप इसको बिना इसके भी बना सकते हैं, मिल्क ऐड करेंगे, शक्कर और कोई भी एसेंस डाल के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ 4 से 5 मैंने चॉकलेट एसेंस के ड्रॉप्स डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे और एक बार और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हमने इसे चला लिया है, हम इसको एक अपने कंटेनर में निकाल कर रख देंगे जमने के लिए। इसके ऊपर हम कुछ चॉकलेट चिप्स डाल देते हैं और हम रखते हैं इसको फ्रीज़र में। 4 से 5 घंटे में ये सेट हो जाएगा। तो हम कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसको जमने रख देंगे हम बंद करके। और ये बनके तैयार है हमारा बनाना आइसक्रीम। बहुत ही ईजी, सिंपल और डिलीशियस है। और आपके जो बनानास बचे हुए थे, जो बिकने वाले थे, वो एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में तैयार होकर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।